राजनगर में SDM और राज विधायिका के नेतृत्व में चलाया गया स्कूल चलो अभियान। इस दौरान निकाली गई भव्य रैली। प्राइवेट और सरकारी 2 दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चों ने निकाली भव्य रैली और स्कूल जाने के लिए लिया संकल्प। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएगा, बच्चों ने लगाया नारा। इस दौरान मौजूद रहे आला अधिकारी। राज विधायक का मनीषा अनुरागी, उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार पाल, क्षेत्र अधिकारी सुभा सुचेर, स्कूल प्रबंधक, काफी लोग इस दौरान मौजूद रहे। बेटा क्या नाम है आपका? अर्जित त्रिपाठी। ये जो आप रैली में आए हुए हैं, तो क्या आपको नाश्ता पानी दिया गया है? नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं दिया गया। रास्ते में कहीं भी नहीं? नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, आप ये रैली में आए थे, तो क्या रैली में आपको नाश्ता पानी दिया गया है रास्ते में कहीं? और कुछ? कुछ भी नहीं। आप जो ये रैली में आए हैं, तो क्या रास्ते में आपको कहीं नाश्ता पानी की व्यवस्था हुई है? कहीं नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, आप जो रैली में आए हैं, तो क्या आपको कहीं नाश्ता पानी मिला है? नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? आपको कहीं नाश्ता पानी मिला है रास्ते में? कहीं नहीं मिला। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, तो आप क्या आज शिकायत करना चाह रहे हैं कि रास्ते में कहीं नाश्ता पानी नहीं दिया गया? बेटा क्या नाम है आपका? आप जो रैली में आए थे, तो क्या आपको नाश्ता पानी दिया गया है? कहीं नहीं दिया गया। सर, आज जो ये रैली निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आज जो रात से रैली निकाली गई, इसका मूल उद्देश्य है स्कूल चलो अभियान। हम लोग 1 जुलाई से डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुभारम्भ किया था, और उसका ये आज रैली का रात में जो है किया गया। इसका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में लाया जाए, उनका छात्रांकन कराया जाए। इस शिक्षा परिषद के द्वारा और शासन के द्वारा कुछ पाठ्यपुस्तक, कुछ ड्रेस मुद्दा स्कूल में किया जाता है, तो बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल में लाएंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ठीक है। सर, जैसे कि इतनी धूप पड़ रही है, कि रास्ते में बच्चों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई होगी? हाँ, बच्चों के लिए हमने कम शिक्षा अधिकारी से आके तुरंत बात की है, आपके द्वारा अवगत किया गया कि रैली में बच्चों को स्वल्पाहार की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। साथ में हम लोग मेडिकल टीम से भी कोऑर्डिनेट कर लिए थे निरंतर, तो उसकी भी व्यवस्था है, किसी प्रकार की दिक्कत। ठीक है सर, जैसे कि मैंने रास्ते में मुआयना किया है, रास्ते में कहीं भी एम्बुलेंस नहीं दिखी और स्वल्पाहार की व्यवस्था भी नहीं की गई है, इसका क्या कारण है? एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था यह है कि डॉक्टर साहब से बात हो गई थी, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वो तैयार है।